नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका मुंशी, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन के पश्चिमी देशों से हथियार के रूप में मदद मिल रही है। जंग के मैदान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा करने के साथ ही अन्य देशों को चेतावनी दी कि रूसी कार्रवाई में किसी भी तरह की दखल की कोशिश के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। हालांकि यूक्रेन में अपने पड़ोसी देश रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। बीते दिन यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव को यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के कब्जे से छुड़ा लिया। रूस के मिसाइल हमलों के सामने यूक्रेन सीना तानकर खड़ा रहा। मैदानी जंग किसी के भी बीच हो, वो हथियारों के सहारे ही लड़ी जाती है। यूक्रेन यूं तो रूस के सामने हथियारों के मामले में कहीं नहीं ठहरता, लेकिन फिर भी अब तक उसने अपने असले का बाखूबी इस्तेमाल किया। मगर अब इस जंग में परमाणु हथियारों की गरज भी सुनाई दे सकती है। रूस और अमेरिका दोनों ने ही अपने परमाणु बलों को अलर्ट मोड पर रहने का कहा है। ऐसे में दुनिया पर तीसरा विश्व युद्ध और उसमें परमाणु बमों का इस्तेमाल जैसे महाविनाशक खतरे का साया मंडराने लगा है। परमाणु खतरों के इस अलर्ट के बाद रूस के एक घातक हथियार की चर्चा जोरों पर है। रूस के इस खतरनाक हथियार को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है, जो पल भर में तबाही मचा सकता है। दरअसल रूस के जखीरे में एक शक्तिशाली गैर परमाणु 44 टन TNT बम शामिल है, जो 300 किलोमीटर के दायरे में भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये एक थर्मोबैरिक सुपर शक्तिशाली गैर परमाणु बम है, जिसमें 44 टन से भी ज्यादा TNT के बराबर विस्फोटक होता है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स 300 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचा सकता है। ये विनाशकारी हथियार एक जेट से गिराया जा सकता है और हवा के बीच में विस्फोटक कर सकता है। ये एक छोटे सामरिक परमाणु हथियार के बराबर प्रभाव पैदा करता है। इसके धमाके के बाद सबसे ज्यादा नुकसान सुपरसोनिक शॉक वेव और अत्यधिक उच्च तापमान से होता है। रूस ने इसे 2007 में विकसित किया था। रूस का ये बम अमेरिका के सभी बमों की तुलना में 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। हालांकि अमेरिका के पास भी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जैसे ताकतवर बम है, लेकिन उसके धमाके में रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जितनी शक्तिशाली नहीं है। तो ये थी रूस के विध्वंसक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की पूरी जानकारी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।